हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास. आई कमलजीत कमिट टू बी विजुअलाइज्ड एंड बेयर इन माय माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माय सेल्फ एंड माय कोलिग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई प्रॉमिस टू फॉलो एंड एनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स. To always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, in previous class, we covered up to absorption of mineral. Today, we will start transportation of water and minerals. Transportation of water and minerals. मतलब किस तरीके से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. रूट हेयर्स एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट रीच द इनरमोस्ट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स. दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस. द टिश्यू वास्कुलर बंडलिंग स्टेम रूट एंड लीव वेन फॉर्म्स अ अनब्रोकन सिस्टम ऑफ ट्यूब्स. दिस सिस्टम कलेक्टिवली परफॉर्म एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. अब बच्चा क्या होता है, सबसे पहले जो रूट हेयर्स है वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. कौन से प्रोसेस से? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्रीवियस क्लास. एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब मूवमेंट होता है मिनरल आयंस का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से वो मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहाँ तक पहुँचाते हैं, इनर मोस्ट सेल ऑफ द कॉर्टेक्स तक उसको पहुँचाते हैं. वहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को. किस प्रोसेस से? ऑस्मोसिस से. ऑस्मोसिस क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जो टिश्यूज और वस्कुलर बंडल में जो टिश्यूज होते हैं फिर वो क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं ट्यूब्स के राही मिनरल्स को थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. ओके, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ट्रैवल अपवर्ड थ्रू दी जाइलम टिश्यूज. जो वाटर और मिनरल जो हमको सॉइल से मिलते हैं वो डेफिनेटली रूट में है. रूट से वो एक फिर जाइलम टिश्यू क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू आउट दी प्लांट्स को सप्लाई करता है वाटर और मिनरल की. और जो फूड है वो अप एंड अप्स एंड डाउन डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जो फूड है वो लीव्स में बनता है. लीव्स से फिर जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है, थ्रू आउट दी प्लांट्स बॉडी फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम. अब किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का जाइलम में. द वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट, जिसको हम बोलते हैं सैप, एज इट एक्चुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मिनरल्स. अब जो वाटर के अंदर डेफिनेटली मिनरल्स डाइल्यूट मिक्स हो जाते हैं. जो सैप है वो एब्जॉर्ब करता है ये जो मिनरल्स और वाटर को किससे, बाय द रूट हेयर्स, और पास करता है थ्रू द कॉर्टेक्स. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो एंटर करते हैं एलिमेंट ऑफ जाइलम. उसके बाद जाइलम क्या करता है, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाइलम टिश्यू से अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. सबसे पहले रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं जिसके अंदर मिनरल्स पूरे मिक्स होते हैं. उसके बाद फिर वो जाइलम क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है. द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल अप टू द लीव्स थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड. अब जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर एंड मिनरल का लीव्स तक का जाइलम के थ्रू, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप. जाइलम या जो जाइलम है यहाँ पर एक्ट करता है फाइन कैपिलरीज का, जिसकी वजह से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली कॉलम एंड मूव्स अपवर्ड बाय कैपिलरी सेक्शन. मतलब कि हर जगह वाटर सप्लाई करने का काम करता है. मिनरल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट इन द जाइलम thus reducing the concentration of water in it. Due to a concentration gradient is created that aid in drawing water and minerals for transporting them to a stem. Okay. अब जो मिनरल सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं साइलम में वो रिड्यूस कर देते हैं वाटर का कंसंट्रेशन को. इसके कारण जो कंसंट्रेशन ग्रेडिएटेड क्रिएट हो जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स में, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने आप को टू द स्टेम. अब प्रेशर इज डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू द कंटिन्यूस इनफ्लो. अब जो प्रेशर है ना वो रूट में डेवलप्ड होने लग जाता है. कंटिन्यूसली इनफ्लो होता है वाटर का. द प्रेशर हेल्प इन पुशिंग द सैप अपवर्ड. अब जो ये प्रेशर डेवलप होता है ना वो क्या करता है, हेल्प करता है सैप को अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करने के लिए. और इस टर्म को हम बोलते हैं रूट प्रेशर. जब वहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर का क्या होता है, इनफ्लो होता है वाटर का, और ये जो प्रेशर है वो हेल्प करता है
अपवर्ड डायरेक्शन में सैप को पुश करता है और उसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्लियर? यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरीके से वाटर सप्लाई हो रहा है थ्रू आउट दी प्लांट्स बॉडी। ड्यू टू दी कॉन्स्टेंट एवोपरेशन फ्रॉम लीव्स से डेफिनेटली एवोपरेशन होता है, अ सक्शन फोर्स इज, तो एवोपरेशन के कारण एक सक्शन फोर्स डेवलप होती है। दिस फोर्स पुल्स वाटर अपवर्ड इन दी जाइलम वेसल्स। अब जो ये फोर्स है ये पुल करती है वाटर को अपवर्ड, किसमें, जाइलम वेसल में। इस पुल को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। जब कोई फोर्स पुल करती है अपवर्ड वाटर को अपवर्ड, देर इज अ टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन टुगेदर एंड डेवलप अ कोहेसिव फोर्स। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो एक साथ रहते हैं और एक कोहेसिव फोर्स डेवलप करते हैं, ये मेंटेन करता है कंटिन्यूस वाटर कॉलम जाइलम वेसल में। ओके बच्चा, ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट, अगर आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट टेक्स इन मोर वाटर बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से रूट क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो कॉर्टेक्स से जाइलम तक जाता है। जाइलम क्या करता है, वाटर इज पुल्ड अप थ्रू दी जाइलम एंड सैप इज पुश्ड अपवर्ड थ्रू दी रूट प्रेशर। अब वाटर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू, और जो वो सैप है ना, सैप क्या कर रहा है बेटा, वो पुश कर रहा है अपवर्ड रूट प्रेशर से, जो सैप है वो पुश कर रहा है अपवर्ड, जिसकी वजह से जाइलम को हेल्प मिल रहा है वाटर को अपवर्ड। ऊपर से नीचे आना इजी है, बट नीचे से रूट से ऊपर की तरफ वाटर लेके जाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, उसके लिए एक प्रेशर चाहिए रहता है। तो सैप क्या करता है, प्रेशर डेवलप करता है, रूट प्रेशर बोलते हैं जिसको हम। ओके बेटा, जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रूट को उसी को हम सैप बोलते हैं। वाटर इज रिप्लेस फ्रॉम द इनर सेल्स। अब जो वाटर है वो रिप्लेस हो रहा है इनर सेल से। वाटर लीव्स थ्रू स्टोमा, और उसके बाद जो वाटर जब ऊपर तक लीव तक जाएगा, अगर एक्सेस वाटर है तो वो स्टोमा के थ्रू लीव कर रहा है और एवोपरेशन हो रहा है, एक्सेस वाटर लॉस्ट हो जाता है ना लीव्स के थ्रू, वही है। तो ये क्या है, कंडक्शन, हाउ वाटर कंडक्ट इन प्लांट्स। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, द फूड मैन्युफैक्चर इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। अब जो फूड मैन्युफैक्चर होता है लीव्स में फोटोसिंथेसिस के कारण, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो किस फॉर्म में होता है, शुगर मॉलिक्यूल्स में होता है। द शुगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू आउट द प्लांट बॉडी बाय द फ्लोएम टिश्यू। जो सीव ट्यूब्स इन दी फ्लूम्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब। जो सीव ट्यूब्स होती है ना, सीव मतलब कि ऐसा मटेरियल जो कि सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड मटेरियल को ही सीव करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल को सीव नहीं करते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं जो फ्लूम में, वो प्लेस होती है एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पर सीव ट्यूब है फिर सीव ट्यूब, एक दूसरे के ऊपर ऊपर, तो ये सारे ट्यूब्स मिलकर एक क्या बनते हैं, लॉन्ग ट्यूब बनाती है। तो ये हेल्प करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट होने में। द मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स इन द फ्लोएम कैन बी इन द अपवर्ड एज वेल। जो फूड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये दोनों डायरेक्शन में काम करते हैं। ओके, नाउ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, प्लांट्स डू नॉट यूज ऑल द वाटर एब्जॉर्ब। जो प्लांट्स है वो सारा वाटर यूज नहीं करते हैं जो रूट एब्जॉर्ब करती है। द अनयूज्ड वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द। जो अनयूज्ड, जो वाटर यूज नहीं किया जाता है, वो जो वाटर है ना वो लॉस्ट करता है प्लांट्स से, कौन से, कहाँ से, स्टोमेटा से, जो स्टोमेटा के अंदर लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है बेटा, एक सेल है, ये टिश्यू ही है, इसके थ्रू ये क्या करता है, लीव से एक्सेस वाटर को लॉस्ट करता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपिरेशन। अब जो वाटर का लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, एरियल पार्ट्स मतलब कि ऊपर का जो शूट एरिया जो बोलते हैं ना, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होते हैं ना, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट से जो एक्सेस वाटर लॉस्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से वाटर लॉस्ट होता है प्लांट्स में। सबसे पहला स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड। अब जो वाटर एवोपरेट हो रहा है लीव से, कौन से प्रोसेस से, किसकी वजह से, स्टोमेटा की वजह से, इसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। देयर आर मोर स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर सर्फेस, डाइकोट लीफ में मोर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, देयर फॉर मोर ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द लोअर सर्फेस ऑफ लीफ। जो सर्फेस, जो लोअर सर्फेस होता है लीफ का, वहाँ पर ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है।
टेटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब एवोपरेशन होता है वाटर का डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस, लीव के डायरेक्टली सरफेस एरिया से होता है एंड हर्बिकेशियस स्टेम से होता है, उसको होता है कैटिकुलर ट्रांसपिरेशन की, मतलब कि वाटर का जो लॉस हो रहा है, एवोपरेट हो रहा है वाटर का लीव के सरफेस एरिया से। लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन क्या होता है, व्हेन एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स एंड द बार्क, जो एवोपरेशन है वाटर का वो लेंटिकल्स और बार्क के थ्रू हो रहा है, उसको बोलते हैं लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ये थ्री टाइप के ट्रांसपिरेशंस होते हैं प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो ट्रांसपिरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्ब करना, मतलब कि हमने रिक्वायर्ड है एब्जॉर्ब किया, ट्रांसपिरेशन मतलब ट्रांसपोर्ट कर, एक्सेस वाटर को निकाल दिया। हायर, जितना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन हायर होगा उतना ही ज़्यादा रेट होगा एब्जॉर्प्शन का। ट्रांसपिरेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, में ट्रांसपिरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। Now, the loss of water from the leaves through transpiration creates a suction pressure in the xylem. जो water का loss होता है leaves के transpiration के through, तो ये suction pressure create करता है xylem vessel में। The suction pressure pull up water from the root through the stem to the leaves. This is called transpiration pull. देखो बेटा, जो water ज़्यादा lost हो जाता है, जो leaves हैं through transpiration से water lost हो जाता है, तो एक suction pressure create करते हैं। वो suction pressure क्या करता है, water को pull करती है कहाँ से, root से through the stem of the leaves, उसको बोलते हैं transpiration pull। Clear? It causes a reduction in the volume of water, मतलब कि इसकी वजह से ना root में reduction हो जाता है water का। That in turn causes the movement of water from the surrounding soil to the root here. The root hair absorb the water by the, अब जो root hair है वो definitely कौन से process से absorb करते हैं, osmosis से करते हैं। इसी तरीके से cycle continue होता है, पहले water को absorb करते हैं through osmosis process के बाद क्या करते हैं, cortex में जाते हैं, cortex से xylem में जाता है, xylem क्या करता है upward direction में सब पूरे throughout the parts को transport करते हैं water। फिर जो एक्सेस वाटर होता है वो लीव्स क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन कर देती हैं, फिर जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन है वो एक सक्शन प्रेशर प्रोड्यूस करती हैं, सक्शन प्रेशर की वजह से वो सक्शन प्रेशर क्या करते हैं, वाटर को पुल करती है कहाँ से, रूट से करती है, और इस प्रेशर उस ये पूरे प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। When the rate of transpiration is greater than the rate of absorption of water from the root, as the leaf, stem and flower of the plant begin to drop, this is called wilting. जब, अब बेटा जितना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ से, रूट से, लीफ से, स्टेम से और फ्लावर से, तो जो प्लांट्स है ना वो ड्रूप करने लग जाता है, मतलब उसकी जो लीव्स है वो नीचे की तरह झुकने लग जाती है, इसको बोलते हैं विल्टिंग। फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, किस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होती है ब्राइट लाइट में, ठीक है, increase in the rate of transpiration at higher temperature, rate of transpiration increase होगी जब temperature ज़्यादा होगा, moving air current wind blowing increases the loss of water from the leaves, अब जितने ज़्यादा air move करेगी ना wind blowing मतलब ज़्यादा हवा चलेगी तो उतना ज़्यादा water loss होता है leaves से, तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली इंक्रीज होगा जितना ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो हाई स्पीड विंड कॉज क्लोजर ऑफ, जो अगर ज़्यादा स्पीड में विंड हो रही है तो जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, जो कि जिसकी वजह से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस भी हो सकता है। द थिकनेस ऑफ कटिकल्स एंड द नंबर ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट्स, जो कितना ज़्यादा कटिकल्स की थिकनेस है और कितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा है वो भी इफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन में, ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूसेज, जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी एयर में उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन के क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपिरेशन लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सैप इन द प्लांट सेल विच हेल्प इन ऑस्मोसिस, ट्रांसमिशन कंसंट्रेशन ऑफ सैप को लीड करता है प्लांट सेल में और ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है प्लांट्स को, सॉल्ट मूव अपवर्ड इन द प्लांट, जो सॉल्ट और मिनरल्स मूव होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में प्लांट्स में वो ट्रांसपिरेशन की वजह से होते हैं,
ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्लांट्स एक्सपेल करते हैं एक्सेस वाटर जो कि रूट एब्जॉर्ब कर लेता है, बट एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, लेकिन ज़्यादा अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो तो वो विल्टिंग हो सकती है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। द वाटर पोटेंशियल इन द लीफ टिश्यू बिकम लेस ड्यू टू द वाटर लॉस। जितना वाटर पोटेंशियल जो होता है लीफ की, जितना ज़्यादा पोटेंशियल होता है लीफ टिश्यू में वो कम हो जाता है अगर ज़्यादा वाटर का लॉस हो। वाटर मूव्स फ्रॉम द जाइलम टिश्यू टू द लीफ सेल, दिस हेल्प इन द, जो वाटर मूव होता है जाइलम टिश्यू से लीव्स तक वो किसकी हेल्प से होता है, एसेंट ऑफ सैप की हेल्प से होता है। द ट्रांसपिरेशन पूल ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयंस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ बेटा दिस इज लास्ट टॉपिक, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन प्लांट्स। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स में, कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो अब डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी बॉडी को चाहिए वैसे प्लांट्स की बॉडी को भी चाहिए। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के, ऐसे एलिमेंट जो कि उनकी लाइफ के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके रिप्रोडक्शन के लिए काम आती है। उनकी अगर ये ना हो तो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड टू, और जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स को हम टू ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कितने प्लांट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, टू पार्ट्स में, वन इज़ मैक्रो एंड अनदर वन इज़ माइक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है रिलेटिवली लार्ज, जो मैक्रो मतलब कि लार्ज अमाउंट में वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। ये क्या है, एक्सेस अमाउंट में चाहिए प्लांट्स को, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, जिंक, बोरोन, कॉपर, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज, ये ट्रेसेस मतलब थोड़े बहुत चाहिए रहते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब बोथ मैक्रो एंड माइक्रो फ्रॉम द सॉइल्स। जो प्लांट्स हैं ये दोनों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से। एनिमल्स जैसे कि प्लांट्स ऑल्सो नीड दी राइट कॉम्बिनेशन, जिस तरीके से एनिमल्स को प्रॉपर राइट कॉम्बिनेशन चाहिए न्यूट्रिएंट्स का, सेम प्लांट्स को भी प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए न्यूट्रिएंट्स का। हायर और लेसर अमाउंट ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स दैन रिक्वायर्ड में कॉज माल न्यूट्रिएंट। अगर कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है या फिर कोई न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है प्लांट्स में, मतलब कि किसी चीज़ की कमी होना प्लांट्स में, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट द फंक्शंस और डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के, डिफरेंट कौन से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आप एक बार डिस्कस करोगे कि जैसे नाइट्रोजन है ये, उसका प्लांट में क्या रोल है, अगर वो ना हो तो प्लांट्स कैसे हो जाएंगे और वो कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। सो ये आपने सब ने एक एक बार रीड आउट करना है, ऑनलाइन क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके बच्चा। Thank you and have a nice day.